इस चैनल पर यार आपको क्लास 12 से रिलेटेड सारा मटेरियल मिलेगा, चाहे आपके हैंड रिटन नोट्स हुए या आपकी स्ट्रेटजी हुई, टेस्ट सीरीज हुई, टाइम टेबल हुआ या और कुछ चीज हुई, सब चीजें। प्लस साथ में आपको जेईई मेंस के बारे में और आपको क्लास 12 के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं सबके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करो और उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाओ, जिससे आने वाले सारे फ्यूचर वीडियोस की आपको अपडेट मिल जाए। सो हे गाइस, दिस इज अमन दत्रवा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी मैथमेटिक्स के बारे में। तो यार इस फील्ड में जितने भी करियर ऑप्शन है बीएससी मैथमेटिक्स के बाद, उन सबको मैं खोद खोद के बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया यार, कि जैसे आप लोगों की सहूलियत हो जाए। और काफी सारे करियर ऑप्शन होते हैं यार, सिर्फ ये नहीं होता कि आप लेक्चरर बन जाओगे या टीचर बन जाओगे या फिर और कुछ चीजें कर लोगे जो दो तीन लोगों के माइंड में होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले मैं साइड में हो जाता हूँ, जैसे कि आप इसका एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यार, बीएससी के बाद पहली चीज जो आप कर सकते हो वो है एमसीएम, ठीक है। तो एमसीएम होता है यार मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो जनरली ये लोग बीसीए के बात करते हैं, बट आप लोग बीएससी मैथमेटिक्स या कोई भी नेचुरल जो आपकी जनरल सॉरी बैचलर डिग्री है उनके बाद आप कर सकते हो। तो एमसीए में जाने का क्या फायदा है यार, बेसिकली वो लोग जाते हैं यहाँ पे जिनका कोडिंग में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को कल को सॉफ्टवेयर फर्म्स में देखते हो, आईटी फर्म्स में देखते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में देखना चाहते हो, एमएनसीज वगैरह में कोडिंग करते हुए, तो एमसीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे दो तीन कंडीशन आपको पहले ध्यान रखनी पड़ेगी कि एमसीए में जाने से पहले आपको थोड़ी सी पहले कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए यार, आपको कोडिंग वोडिंग बेसिक जावा या सी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। आपके डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बाकी बच्चे बीसीए में ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है यार, कि इस फील्ड में एमसीए के थ्रू आपको लाखों का पैकेज मिल सकता है, लिटरली ऐसे 10 लाख से ऊपर आपको आराम से पैकेज मिल सकता है। कंडीशन ये है कि आपको प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से ही सिर्फ ये करोगे तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो कौन कौन से प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, पहला जो एग्जाम है जो कि आपको एमसीए के थ्रू देना चाहिए, सिर्फ दो तीन ही मैं रिकमेंड करता हूं, ज्यादा नहीं करूंगा। पहला है आपका निमसेट का एग्जाम, ठीक है। तो निमसेट का एग्जाम बेसिकली सारी एनआईटीज के लिए होता है यार, ठीक है। तो देश में जितनी भी एनआईटीज हैं, एनआईटीज क्या होती हैं, जैसे इंजीनियरिंग के लिए सबसे ऊपर होती है आईआईटीज, उसके जस्ट नीचे होती है एनआईटीज, ठीक है। जितनी भी एनआईटीज हैं उनमें अगर आपको एमसीए करना है तो आपको निमसेट का एग्जाम देना पड़ेगा, और वहां जाने के बाद यार आपको लिटरली लाखों का पैकेज मिलता है। लोग वहां से 25-25, 30-30 लाख का पैकेज उठाते हैं बीटेक में, और सेम कंपनीज एमसीए वाले बच्चों के लिए भी आती है, ठीक है। दूसरा है यार आपका बीएचयू का एग्जाम, तीसरा है आपका जेएनयू वगैरह में, फिर चौथा आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट इनमें निमसेट रहेगा आप लोगों के लिए। सेकंड चीज पे आते हैं यार हम अपना एमबीए और पीजीडीएम कोर्सेज पे। अब जो एमबीए और पीजीडीएम कोर्सेज हैं, अब पीजीडीएम जिन लोगों को नहीं पता वो बता दूं मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा मैनेजमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये एमबीए का छोटा भाई बोल सकते हो मैं, इन शॉर्ट अगर बोलूं तो। एमबीए आपका 2 से 3 साल का होता है, पीजीडीएम आपका 1 से 2 साल का होता है। एमबीए जो होता है वो आपको थोड़ा एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करता है, और पीजीडीएम आपका इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशन है उन पे ज्यादा फोकस करता है। पीजीडीएम आपका फ्लेक्सिबल और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एमबीए जो है वो आपको यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है, पीजीडीएम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं होता, ठीक है। पर इसके थ्रू यार एमबीए और पीजीडीएम के थ्रू आप लिटरली लाखों करोड़ों का पैकेज उठा सकते हो, ठीक है। मजाक से हटके है ये बात, कंडीशन यहाँ पे भी वही है कि आपको प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से ये करना पड़ेगा, ठीक है। नो मैटर आपका बीएससी में कौन सा कॉलेज था, ठीक है, वो बस इंटरव्यू में थोड़ा सा फर्क कर सकता है। बट उसके बाद अगर आप एमबीए एक बहुत अच्छी जगह से कर लेते हो या पीजीडीएम कोर्स कोई बहुत अच्छी जगह से कर लेते हो तो लाइफ चेंज हो जाएगी लिटरली। तो टॉप इंस्टीट्यूट कौन से हैं यार, आपके आईआईएम है, ठीक है। आईआईएम में कौन से, एबीसी जो आपके हैं, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता। दूसरे आपके एफएमएस, तीसरा आपके आईआईटीज, ठीक है, चौथा आपका एक्सेलराइज। तो इन सब में आपको कैट का एग्जाम देना पड़ता है और उसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। कैट के एग्जाम के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं, बट वो आगे की बात है, आपको पहले कैट एग्जाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज जो है यार वो है आपके एक्चुअरी, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली आपको जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना वहां पे आपको काम मिल जाता है, क्योंकि आपने मैथ्स वगैरह किया तो आप बेसिकली रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे यार काम होता है। तो जितने भी आप वो देखते हो कि सर इंश्योरेंस ले लीजिए, गाड़ी का इंश्योरेंस करा लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, तो वहां पे उन कंपनीज और फर्म्स में बीएससी मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट्स होती है उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो यार, आपको कुछ नहीं करना। और ये जॉब्स मिलती कहाँ है यार, आप ऑनलाइन जाओ, ठीक है, आप बस ये टाइप करो और आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। मतलब ऑनलाइन काफी सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे जो कंपनी जिसको भी एम्प्लॉय चाहिए वो वहां पे पोस्ट कर देती है, और फिर आप वहां उस सेम पोर्टल पे जाके अपना सीवी और रिज्यूमे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो दे सकते हो, या कोई टेस्ट हो सकता है और फिर आपको वहां पे सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स आप कौन कौन से दे सकते हो,
तो यार सारे गवर्नमेंट जॉब्स देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट सारे बीएससी मैथमेटिक्स की आपकी बैचलर्स डिग्री है, आप यूपीएससी दे सकते हो, आप एसएससी दे सकते हो, आप ठीक है आप स्टेट पीसीएस दे सकते हो, आप इंडियन डिफेंस सर्विसेज दे सकते हो, आप पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका बहुत बड़ा ये मेन एरिया है बेसिकली बीएससी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, काफी लोग यहाँ पे जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में आप जा सकते हो, वहां पे आप बैंक ऑफिसर बन सकते हो। ठीक है, बैंक ऑफिसर आप कैसे बन सकते हो, आईबीपीएस ये आपका एग्जाम होता है, इसके थ्रू आप दे सकते हो, बाकी एसबीआई बैंक का अपना अलग टेस्ट होता है, बाकी सारे में आपका इनसे हो सकता है, बाकी आपको और खोल के वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट है आपका यार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मेरा क्या मतलब है, बेसिकली पीएसयूज। ठीक है, पीएसयू क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट कंपनीज होती है जिनमें गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज्यादा होता है, समझ गए, तो बेसिकली या फिर 100% मतलब बेसिकली ये दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे। तो बीएसएनएल हो गया, बीएचईएल हो गया, सेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, यहाँ सब इन सभी में बीएससी मैथमेटिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जैसे होता गया जैसे बीएसएनएल पोस्ट निकाली गई कोई भी कि भाई हमारे पास ये दो तीन पोस्ट है, यहाँ पे एक बीएससी मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट या एमएससी मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, तो आप वहां पे अप्लाई करके एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी आराम से सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यार आप इसरो में भी जा सकते हो। ठीक है, मतलब लिटरली बीएससी मैथमेटिक्स से सीधा इसरो में। ठीक है, और डीआरडीओ वगैरह में भी जा सकते हो यार आप, पर इसरो में आप बेसिकली आप एक ट्रेनिंग साइंटिस्ट के थ्रू जाओगे, और इसमें कैसे एडमिशन लेते हैं वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। बेसिकली कुछ नहीं यार, आपके बीएससी में 65% से ज्यादा होनी चाहिए और आपको एक एग्जाम देना होता है, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट होता है यार आपका जाम का एग्जाम दे सकते हो आप, जेएएम जाम। ये किस चीज का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, जेएएम बेसिकली आप इसके थ्रू आईआईटी और आईआईएससी जो बैंगलोर है, मतलब जो आईआईएससी वगैरह है वहां पर जा सकते हो। ठीक है, तो कितनी बढ़िया बात है, सीधा बीएससी आपने कहीं से भी करी हो आप सीधा आईआईटी में जा सकते हो। यहाँ पे आपको एमएससी के कोर्सेज होंगे 4 सेमेस्टर के, या फिर आपके जॉइंट एमएससी और पीएचडी के कोर्सेज होंगे। ठीक है, तो हर साल मतलब अलग अलग होता है, जैसे इस साल आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करा रहा है 2018 में, तो बहुत बढ़िया चीज है ये। ठीक है, अगर आपसे क्लियर हो जाती है तो। नेक्स्ट है यार आपका आप मार्केट रिसर्चर बन सकते हो। ठीक है, अब मार्केट रिसर्चर क्या होता है, बेसिकली डाटा क्रंच करते हो। ठीक है, आपके पास बहुत सारा डाटा होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, कोई हेल्थ कंपनी है या कोई दवाई बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, तो वो उसके पास काफी सारा डाटा है कि भाई जो मेरी दवाइयां हैं वो किस शहर में ज्यादा बिक रही है, ठीक है कौन सी उम्र के लोग ज्यादा ले रहे हैं, तो उस टाइप के डाटा को क्रंच करना होता है और देखना होता है कि जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, जो सबसे ज्यादा बिक्री है वो कहाँ पे हो रही है, मतलब इस टाइप का काम होता है। तो वहां पे जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है वो डेफिनेटली काम आते हैं, तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, मार्केट रिसर्चर आप बन सकते हो। ठीक है, आपको बेसिकली बिहेवियर एनालाइज करना होता है। नेक्स्ट है आपका यार इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट क्या होता है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है यार, वो जो भी पैसा अपना इन्वेस्ट करती है या फिर अपनी जितनी भी उनका फाइनेंस होता है, ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए ये जॉब होती है। तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली दे आर गुड विद नंबर्स, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका वही सीए का एग्जाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको कुछ नहीं, सीए सीपीटी एग्जाम देना पड़ता है। सीपीटी क्या होता है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो बस। ठीक है, बस क्या बहुत सारी जॉब्स हैं। ठीक है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स में, जैसे अगर ये सिर्फ यूपीएससी है तो यूपीएससी जैसे फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराती है, तो सिविल सर्विसेज में भी अंदर 27 एग्जाम है। ठीक है, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अलावा बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो यहाँ पे सैकड़ों आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है, भरा पड़ा है जॉब्स के साथ। अब हम आते हैं, अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो, ठीक है, तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बीएससी मैथमेटिक्स के साथ बाद आप एमएससी मैथमेटिक्स कर सकते हो, आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो, आप एमएससी इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स कर सकते हो। इसका क्या फायदा होता है, एमएससी इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स का यह फायदा होता है कि आप बाद में आईईएस का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये आपका इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है, ये काफी अच्छी जॉब मानी जाती है, तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो आप एमएससी इकोनॉमिक्स कर लो, मतलब आप बाकी एमएससी के कोर्सेज भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी एमएससी के कोर्सेज मतलब जैसे आप मतलब आप बीएससी मैथ्स के बाद एमएससी फिजिक्स कर सकते हो। एमएससी फिजिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो आपका जो मास्टर्स का जो भी एग्जाम होगा वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, वो फिजिक्स में होगा बेसिकली, तो आपको थोड़ा फिजिक्स खुद से पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड जो चीज है कि वो आपकी बैचलर्स डिग्री के दौरान आपने कुछ फिजिक्स के इलेक्टिव्स करे हो। ठीक है, फिजिक्स के इलेक्टिव मतलब कि भाई आपने क्वांटम मैकेनिज्म पढ़ा हो या फिर रिलेटिविटी पढ़ी हो। ठीक है, या फिर क्लासिकल मैकेनिज्म जैसे, या फिर ईएमएम जो हो गया, ये सारे आपके मतलब जो ऑप्शनल है इलेक्टिव्स के आपने पेपर दिए हो और आप उनमें पास हुए हो, तो अगर आपने ये कर रखा है या फिर आपने जो मास्टर्स का पास मास्टर डिग्री का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो पास कर रखा है। बेसिकली कॉलेजेस की अलग अलग सिचुएशन होती है, या तो आपके इलेक्टिव भी होने चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम तो होता ही है, कुछ कॉलेज में सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम होता है, कुछ में इलेक्टिव भी आपके जरूरी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप बाकी कोर्सेज भी कर सकते हो। एक बार आपने एमएससी कर ली,
ठीक है, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, जो सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं कि भाई लेक्चरर आप बन जाओगे, तो लो भाई आप नेट का एग्जाम दो और आप लेक्चररशिप लेक्चरर बन जाओगे, ठीक है, अगर मतलब आप बेसिकली आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे नेट का एग्जाम देने के बाद, ठीक है, उसके बाद मान लो आपको प्रोफेसर बनना है, भाई मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर से पेट नहीं भर रहा, मेरे को और भी बड़ा बनना है, तो फिर आप पीएचडी वगैरह भी कर सकते हो मैथमेटिक्स में, तो इसके लिए काफी सारे एग्जाम है यार, हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग एग्जाम होते हैं, जैसे गेट का एग्जाम हो गया, ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम होता है, जेएनयू यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम होता है, और टाटा का अपना एग्जाम होता है, टीआईएफआर वगैरह, ठीक है, जो टीआईएफआर लिखा है टाटा का इंस्टीट्यूट का बेसिकली होते हैं, ये भी पीएचडी वगैरह करवाते हैं, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। और जैसे यार आपको काफी बच्चों को डाउट आता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है, ठीक है, तो इसकी जॉब मुझे कहां मिलेगी, तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं स्क्रीन पे, ठीक है, तो आप जैसे गूगल वगैरह पर टाइप करोगे इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट तो कितनी सारी जॉब्स खुल के आ जाती है, ठीक है, आप देख रहे हो, तो इसी के थ्रू आपको जाना होता है, अगर आपका अच्छा कॉलेज नहीं है, अगर आपका अच्छा कॉलेज है, मतलब आप बीएससी मैथमेटिक्स किसी बहुत अच्छे कॉलेज से करिए, जैसे ग्रेड ए जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे नॉर्थ कैंपस वगैरह में हो गया, ठीक है, आप किसी इंस्टीट्यूशन हिंदू ब्ला 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 नीचे तक 10-12 जितने भी हैं, वहां पे कंपनीज आती हैं, ठीक है, इतनी नहीं आती बट फिर भी थोड़े बहुत आती हैं, तो वहां से वो आपको उठा के ले जा सकती हैं, तो ऐसी जॉब मिलती है यार, तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यार। और ये जो जाम का एग्जाम है, ये बेसिकली फिजिक्स वाले बच्चे भी दे सकते हैं, बीएससी फिजिक्स वाले, बीएससी मैथ्स, बीएससी केमिस्ट्री, ठीक है, बीएससी बायोटेक, ठीक है, तो ये सारे लोग दे सकते हैं जाम का एग्जाम, तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे यार। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और फ्यूचर में आपको कौन से वीडियोस चाहिए, और मेरे को बता देना यार आपको किसी भी चीज में क्लियर नहीं हो रहा हूं, मैं खोल के वीडियो बना दूंगा, तो तब तक के लिए सिया चलते हैं, ख्याल रखो अपना, और अगर नए हो यार तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सिया हैव अ गुड डे, बाय।